स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक हमने खत्म किया कि मल्टीप्लाई बाय टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई फंक्शन टी से मल्टीप्लाई है तो टी पे पावर जितना था उसको हम उतने बार डिफ्रेंशिएट करके बनाते थे। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि डिवीजन बाय टी, अगर कोई फंक्शन है ट्राइगोमेट्री है लॉगरिथमिक किसी भी प्रकार का फंक्शन अगर टी पे पावर एन से डिवाइड हो रहा है तो इसमें स्टूडेंट हम लोग आंसर का लाप्लास करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, टी पे पावर जितना रहेगा उतना टर्म्स क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन किसका लाप्लास फाइंड करने के बाद एस वाले फॉर्म का, और टी से डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे ना। इसका फॉर्म देख लो, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। We know that Laplace f t बराबर क्या होता है कैपिटल F s, क्योंकि इसीलिए Laplace 1/t into f t, 1/t into f t मतलब क्या, आप इस फंक्शन को t से क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बाबू फॉर्मूला एस से इन्फिनिटी, लोअर लिमिट हमारा क्या होगा एस, अपर लिमिट क्या होगा इन्फिनिटी, ई पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ एस इंटू डी एस, समझे गलती नहीं कर रहे हैं, गलती ही नहीं रहना चाहिए था, लगा मुझे गलती वो तो प्रूफ करने में था। लाप्लास निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे एस टू इन्फिनिटी के अंदर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। टी पे पावर दो रहा था तो दो बार इंटीग्रेशन होगा डबल इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग को डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, डबल इंटीग्रेशन आप लोग को लेटर एंट्री के एग्जाम में पूछता है फिर बी टेक में पूछता है। ठीक है, यही आपका फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, लाप्लास कोस 2t बटे सॉरी t, तो हम देख रहे हैं एक फंक्शन हमारे पास है ट्रायगोनोमेट्री कोस 2t का और जिसको डिवाइड कर रहा है t, इतना देखने के बाद हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होने वाला है कि नहीं। एल तो लगा ही रहेगा, लैंग्वेज में भी कभी कभी लिख देता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना, डायरेक्ट कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एल कॉस 2t बटे टी, तो खुद समझना होगा ये पहले लिखेंगे, क्योंकि लाप्लास कॉस 2t का क्या हो जाएगा एस बटे एस स्क्वायर प्लस 4 एन होता है हम निकालेंगे, इसीलिए लाप्लास इस पूरे का, इसीलिए लाप्लास कोस 2t बटे टी क्या होगा इंटीग्रेशन एस बटे एस से इंफिनिटी कैपिटल एफ एस इंटू डी एस, एस से इंफिनिटी एफ एस का मतलब क्या एस बटे एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एस, बताओ कितना लोग को आ रहा है इंटीग्रेशन, ये क्या होगा इंटीग्रेशन निकालेंगे तब ना, एस बटे एस स्क्वायर प्लस 4 है बराबर, दिखाओ पावर जोड़ा जाता है किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है तब, यहाँ अलजेब्रिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर ना है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, बस खाली 2 नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है, हम इसको लिख देंगे ऐसे, देखिए कहीं पर हम रफ कर देते हैं लेकिन यहाँ पे करना नहीं डायरेक्ट करना है, एस स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या पुट कर देंगे टी, ये क्या हो जाएगा 2s इंटू डी एस बराबर डी टी, इसीलिए एस इंटू डी एस बराबर कितना
वन बटा टू इंटू डी टी। तो बताइए एस डी एस के बदले में क्या पुट करेंगे, हाफ डी टी, और नीचे वाले के बदले में कितना टी, तो क्या हो जाएगा डी एस बटे टी, डी एस बटे टी हो जाएगा। इसका मतलब उसका हो जाएगा लॉग टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का है कि नहीं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देंगे, इसमें दो होना चाहिए था ना, अगर इसको मिटा दूं तो इस एस के साथ में क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, लेकिन है नहीं, हम लिख देंगे बाहर में एक बटा दो एस से इंफिनिटी टू एस बटे एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एस। अब तो एक नंबर हो गया, एक बटा दो जो बाहर किए हैं इसका मतलब ये दो क्या करेगा, इसको डिवाइडिंग कर देगा, बात तो इतना ही हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में इस वाले टर्म का, नीचे वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, और हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद ये चीज लिख दीजिएगा, वी नो डैट, अगर याद है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स इंटू डी एक्स है, जिनका होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी, सी हटाओ डिफरेंट है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन है तो आंसर होता है लॉग एफ एक्स। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं, यहाँ पे लिखाएगा वन बटे टू बाहर ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग एफ एक्स, मतलब ये पूरा ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर लिमिट एस से लेके कितना इनफिनिटी, इनफिनिटी वाला टर्म पुट करेंगे वो खत्म हो जाएगा, उसको पुट ही नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वन बटा टू। ये जब पुट करेंगे इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे लॉग में ये टर्म क्या होता है जीरो, जीरो, ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, क्या हो जाएगा लॉग इस एस की जगह एस पुट होगा, एस स्क्वायर रहेगा प्लस फोर, ये हो जाएगा कितना माइनस लॉग माइनस वन बटा टू लॉग एस स्क्वायर प्लस फोर, नहीं लिख सकते, हो गया मेरा आंसर। बहुत सारे बच्चे इसको पावर के रूप में लाए, उससे कुछ करेगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसका बना लेंगे, ये आप लोग बना के आइएगा, दो चार पांच क्वेश्चन और हम लोग बना लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो हम लोग इनवर्स मीन कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लाप्लास का है उसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए और उसका एक बार क्या करिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऐसे चाहिएगा तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर हम बताएंगे कल और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो।